जैसा कि काफ़ी सूचना दिनों से आ रही थी कि सरैया चौकी क्षेत्र के अंतर्गत कुछ लोग ऐसे हैं जो अवैध और गलत तरीके से सिलेंडर रिफिलिंग का कार्य कर रहे हैं, तो इसी क्रम में आज डीएसओ साहब और मैं स्वयं और इनकी पूरी टीम और हमारे इंस्पेक्टर और चौकी प्रभारी सभी ने मिलकर एक संयुक्त प्रयास किया। उस प्रयास में 3 जगह छापे मारे गए और उस छापे में 1 जगह हमें सफलता मिली है, जहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में सिलेंडर रखे गए थे और उनसे रिफिलिंग की जाती थी और रिफिलिंग करने वाले सामान और उपकरण भी हमें बरामद हुए हैं। आगे इस तरह से लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे और क्या करना चाहेंगे? हमारी ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, हमारी टीम लगातार डीएसओ साहब की टीम के साथ इस क्षेत्र में सक्रिय रहेगी और जहाँ भी हमें सूचना मिलेगी वहाँ पर हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये क्या प्रकरण थी और किस लिए यहाँ पास आप लोग आए हैं? आज कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई थी कि अवैध गैस रिफिलिंग हो रही है। इन सारी चीज़ों को सीओ साहब, एसओ साहब, इन सब लोगों से हम लोगों ने शेयर किया और एक जॉइंट ऑपरेशन आज पूरे सरैया पुलिस चौकी के आसपास के इलाकों में हम लोगों ने चलाया और 3-4 जगह छापेमारी की गई, जिसमें 1 जगह हम लोगों को भारी मात्रा में मिला, बाकी 2 जगह हम लोगों को कोई विशेष सफलता हासिल नहीं हो पाई, लेकिन हमारी लगातार उन पर सतर्क दृष्टि रहेगी और भविष्य में हम लोग इस तरह के ऑपरेशन करते रहेंगे। अब तक कितना सिलेंडर आपको मिल चुका है? काउंटिंग अभी जारी है, 104 सिलेंडर लगभग हम लोगों को यहाँ प्राप्त हुआ है।